KTM Duke भारत की मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट बाइक्स में से है। स्पोर्टी स्टाइलिंग और पावरफुल परफॉर्मेंस की वजह से यंगस्टर्स इसे खूब पसंद करते हैं। हेलो राइडर्स, ये है द ड्यूक राइडर शो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KTM Duke की हिस्ट्री और इसके इवोल्यूशन के बारे में। साथ ही एंड में हम नई अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन Duke 390 में होने वाले पॉसिबल अपग्रेड्स की भी बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। शुरुआत से ही KTM Duke मार्केट में अवेलेबल दूसरी बाइक से काफी अलग रही है। 1994 में लॉन्च हुई सबसे पहली KTM Duke उस समय की कन्वेंशनल स्पोर्ट्स और क्रूजर बाइक से बिल्कुल अलग थी। इस बाइक में लाइटवेट बॉडी के साथ 609 सीसी का LC4 लिक्विड कूल इंजन लगा था, जो 50 HP की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता था। इसका डिजाइन KTM के पुराने प्रोटोटाइप टर्मिनेटर पर बेस्ड था, जिसमें कुछ माइनर चेंजेस करके पहली ड्यूक को डिजाइन किया गया। बेसिकली ये बाइक सिटी स्ट्रीट्स पर चलने वाली इंड्योरो मोटरसाइकिल थी, जो लाइटवेट बॉडी के साथ पावरफुल इंजन के कॉम्बिनेशन से लो RPM पर बेस्ट पावर डिलीवरी और एक्सेलरेशन देती थी। The Duke can't live with sports bikes when it comes to straight line acceleration, but it can scratch round bends with the best of them. Duke 620 KTM की पहली रोड लीगल बाइक थी। इससे पहले KTM सिर्फ मोटोक्रॉस और इंड्योरो जैसी ऑफ रोड बाइक्स ही बनाता था। उस समय मार्केट में अवेलेबल होंडा, सुजुकी और यामाहा जैसी जापानीज बाइक्स की भीड़ के बीच ड्यूक 620 को कस्टमर्स का ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला, पर इसकी यूनिक स्टाइलिंग और तेज परफॉर्मेंस की वजह से धीरे धीरे लोग इसे नोटिस करने लगे। दिस बाइक इज गारंटीड टू पुट अ स्माइल ऑन द फेस ऑफ एनी राइडर। इट्स नॉट स्लो, अ टॉप स्पीड ऑफ 110 माइल्स एन आवर। 1998 में KTM ने इस बाइक के इंजन में कुछ अपग्रेड्स करके ड्यूक 2 को लॉन्च किया। इस नई ड्यूक में सेम चैसी और सेम स्टाइलिंग के साथ 640 सीसी का नया इंजन था, जो 55 HP की पावर प्रोड्यूस करता था। कंपैरेटिवली लो प्राइस और अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से धीरे धीरे KTM Duke राइडर्स के बीच पॉपुलर होने लगी और फिर 2004 में KTM ने बड़ी और ज्यादा पावरफुल 990 सुपर ड्यूक को लॉन्च किया। इस बाइक में 999 सीसी DOHC V-twin इंजन के साथ क्रोमियम मोलिब्डेनम ट्रेलिस फ्रेम एंड पाउडर कोटेड एल्युमिनियम सब फ्रेम, 48mm अपसाइड डाउन फोक्स और WP फुल्ली एडजस्टेबल शॉक अब्सॉर्बर जैसे प्रीमियम कंपोनेंट्स का यूज किया गया था। 163 HP की मैक्सिमम पावर और 100 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ KTM 990 सुपर ड्यूक उस समय की सबसे पावरफुल नेकेड स्ट्रीट बाइक्स में से थी। Zwei Zylinder, 120 PS. Genau das Richtige für unbeschwertes Kurvenräubern auf dem Land. दमदार परफॉर्मेंस और यूनिक स्टाइलिंग की वजह से ऑस्ट्रिया और आसपास के रीजन्स में इसे लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला। इस नई 990 सुपर ड्यूक के बेस पर 2008 में KTM ने ड्यूक 3 यानी कि ड्यूक 690 को लॉन्च किया। नए फ्रेम, नई स्टाइलिंग और ज्यादा प्रीमियम कंपोनेंट्स के साथ इस बाइक में 654 सीसी का सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व इंजन दिया गया, जो 65 HP की पावर प्रोड्यूस करता था। पुरानी ड्यूक 1 और 2 से अलग इसके फ्रेम और बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड नजर आते थे। लॉन्ग सीट, अंडरबेली एग्जॉस्ट पाइप और एजी रियर एंड फ्रंट एंड के साथ ये बाइक दिखने में काफी फ्यूचरिस्टिक और स्टाइलिश लगती थी। इसकी यूनिक स्टाइलिंग और अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से ड्यूक का नाम पूरे यूरोप में फैलने लगा। इसी बीच भारत की टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजाज के साथ हुई पार्टनरशिप में KTM ने स्मॉल इंजन डिस्प्लेसमेंट वाली ड्यूक बाइक्स बनाने का काम शुरू किया। इस नए प्रोजेक्ट में KTM की यूनिक डिजाइन लैंग्वेज को मेंटेन रखते हुए एक प्रॉपर स्ट्रीट बाइक बनाई गई, जो सिटी स्ट्रीट्स के लिए परफेक्ट थी। फाइनली 2012 में KTM और बजाज के जॉइंट वेंचर में बनी ड्यूक 390 को आइकमा मोटर शो में रिवील किया गया। इसके इम्प्रेसिव पावर फिगर्स और अट्रैक्टिव स्टाइलिंग से लोग काफी इम्प्रेस हुए। अगले ही साल इसे भारत और फिलीपींस के मार्केट में लॉन्च किया गया। फिर KTM ने इसी डिजाइन के साथ ड्यूक 200 और ड्यूक 125 बाइक्स भी तैयार की। ड्यूक 125 को इनिशियली यूरोपियन मार्केट के लिए बनाया गया था, पर आगे चलकर इसे भारत में भी लॉन्च कर दिया गया। भारतीय मार्केट में लॉन्च होने के एक दो साल बाद ही KTM ड्यूक 200 और 390 यंगस्टर्स के बीच काफी तेजी से पॉपुलर होने लगी। इस बाइक का यूनिक स्टाइलिंग और पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ अफोर्डेबल प्राइस टैग पर अवेलेबल होना भारतीय बाइक्स के सुपर स्पोर्ट बाइक ड्रीम को पूरा करने का बेस्ट ऑप्शन था। इसीलिए भारत में बहुत सारे लोग ड्यूक 200 और ड्यूक 390 खरीदने लगे। The KTM Duke 390 is a revolutionary bike for our Indian market for so many different varied reasons. Generations of motorcyclists will refer to this bike as the one that changed the scenario in year 2013.
पर भारतीय मार्केट से अलग यूरोपियन मार्केट में लोग 1000 सीसी सेगमेंट की रियल सुपर स्पोर्ट बाइक ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए 2014 में KTM ने ऑल न्यू 1290 सुपर ड्यूक को लॉन्च किया, जो अब तक की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल ड्यूक थी। इस हाइपर नेकेड बाइक में 1301 सीसी का वी ट्विन इंजन था, जो 180 bhp की मैक्सिमम पावर और 144 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता था। इस पावरफुल इंजन के साथ ही KTM ने 1290 सुपर ड्यूक में क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील ट्रेलिस फ्रेम और सिंगल साइडेड स्विंग आर्म जैसे हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स का यूज किया, जिसकी वजह से ये बाइक काफी ज्यादा लाइट वेट और स्टेबल बन पाई। 1290 सुपर ड्यूक में KTM ने मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS स्लिपर क्लच और राइडिंग मोड्स का ऑप्शन भी दिया। इन हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, पावरफुल इंजन और स्टाइलिश लुक्स की वजह से KTM ड्यूक 1290 अपने टारगेट ऑडियंस के बीच सक्सेसफुल रही। इसके बाद 2017 में KTM ने बिल्कुल न्यू डिजाइन लैंग्वेज पर बनी KTM ड्यूक 790 को लॉन्च किया। ये बाइक दिखने में काफी शार्प और एजी लगती थी। बड़े स्कल्पटेड फ्यूल टैंक के साथ सामने की तरफ एक्सटेंड होते हुए टैंक श्राउड्स और शार्प लुकिंग हेडलैम्प काफी अट्रैक्टिव लगते थे। स्टेप सीट, एल्युमिनियम स्विंग आर्म और ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली स्टैक्ड मोनोशॉक की वजह से इसका रियर एंड काफी स्पोर्टी अपीयरेंस देता था। इसी साल ड्यूक 390, 200 और 125 को भी 790 ड्यूक के नए डिजाइन थीम पर ही अपग्रेड किया गया, लेकिन स्मॉल इंजन की वजह से इन तीनों बाइक्स में 790 ड्यूक से डिफरेंट चैसी और स्लाइटली डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यूज किए गए। इसके साथ ही KTM ने ड्यूक 250 और सेकेंड जनरेशन 1290 सुपर ड्यूक को भी लॉन्च किया। न्यू डिजाइन लैंग्वेज पर बनी ये सभी ड्यूक बाइक्स इंटरनेशनल मार्केट और भारत में भी खूब पसंद की गई। फिर 2020 में KTM ने ड्यूक 790 को डिसकंटिन्यू करके इसकी जगह ड्यूक 890 को लॉन्च किया। इस बाइक में 889 सीसी का LC8 पैरेलल ट्विन इंजन है, जो 115 bhp की मैक्सिमम पावर और 92 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। KTM अपनी 1290 सुपर ड्यूक और ड्यूक 890 जैसी बिग इंजन कैपेसिटी वाली बाइक्स भारत में ऑफर नहीं करता है। ये बाइक सिर्फ यूरोप और कुछ दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए हैं। पर भारत में ड्यूक 390 और ड्यूक 125 की सेल्स काफी अच्छी है, क्योंकि ये बाइक्स डिसेंट प्राइस रेंज में सुपर लुक्स, दमदार परफॉर्मेंस और प्रीमियमनेस ऑफर करती हैं। KTM रेगुलरली इन बाइक्स में छोटे बड़े अपग्रेड्स करके मार्केट में इन्हें फ्रेश बनाए रखता है, और इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हुए KTM ने नेक्स्ट जनरेशन ड्यूक 390 पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत और यूरोप में कई बार इस नई KTM ड्यूक को सड़कों पर टेस्ट करते हुए देखा गया है, जिससे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द KTM नेक्स्ट जनरेशन ड्यूक 390 को मार्केट में लॉन्च करने वाला है। इस नई ड्यूक में अपडेटेड हेडलैम्प, न्यू बॉडी पैनल्स, एसिमेट्रिकल स्विंग आर्म और न्यू एग्जॉस्ट सेटअप जैसे चेंजेस इजीली नजर आ रहे हैं। ये नया डिजाइन काफी हद तक थर्ड जनरेशन 1290 सुपर ड्यूक पर बेस्ड है, इसीलिए ज्यादा चांसेस है कि नई ड्यूक 390 में भी इन बड़ी बाइक से इंस्पायर्ड न्यू इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलने वाला है। टेस्टिंग में देखी गई बाइक के इंजन साइज को देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार KTM इंजन डिस्प्लेसमेंट में भी कोई चेंज लाने वाला है। वैसे तो ड्यूक 390 काफी पावरफुल बाइक है, पर समय के साथ इम्प्रूव होते रहना ही मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट की निशानी है। KTM ड्यूक सीरीज के इवोल्यूशन की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yo, yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the make it a microphone dead, don't step to me new.